मंदिर है वहाँ आरती। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर। आपको इतना ही मिलेगा जितना हम लोगों को इधर, और इधर ये फंस गया अब अंदर के, जो अच्छा उसके साथ चला। वेलकम टू माई न्यू वीडियो गाइज, मैं थारा भाई वीर भाई, और सुबह के बज चुके हैं 4:30 हो गए हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। अभी 15 दिन पहले गए थे हम लोग वृंदावन, अभी दोबारा से बिहारी जी हमारी राधे राधी ने हमें बुलाया, तो हम लोग जा रहे हैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों सुबह सुबह 4 बजे मैंने बिहारी जी को उठा दिया, और बिहारी जी की पूजा भी हो गई है। इधर आदित्य भी तैयार होके लेट गया आराम से, थोड़ी देर में हम लोग भी निकलते हैं। वो गाइज गली में ना अंधेरा हो रहा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। देखो सुबह सुबह अंधेरा हो रखा है, 4:30 बज चुके हैं, और गाड़ियां तो चल रही है थोड़ी थोड़ी रोड पर। हवा भाई मस्त हवा चल रही है आज तो, इतना मस्त बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। तो गाइज पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास, ये खड़ी अपनी गाड़ी इधर, तो अभी हम लोग निकलते हैं, उनको लेते हैं, फिर निकलते हैं सीधा दिल्ली से वृंदावन के लिए। बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो गाइज अब सीधा मिल रहे हैं आपको नंदगांव में, हम लोग पहुंच चुके हैं नंदगांव, करवाते हैं आपको ब्रज की इन गलियों के, नंदगांव की इन गलियों के दर्शन। तो ये है नंदगांव की गलियां, भी जा रहे हैं नंद बाबा के महल में, नंदगांव का जो मंदिर है उसमें, मंदिर में दर्शन करने के लिए, और करवाते हैं साथ में आपको दर्शन। इधर ही है ना दीवारों पे गाय की वो बना रखी है पेंटिंग, मंदिर जाने का रास्ता इधर से है, तो इधर से भी है उधर से भी है। ये नंदगांव की गलियां है ना, पुराने टाइम के घर बने हुए ना इधर, ये तोड़ रखा है। ये आगे इधर पहली सीढ़ियाँ, कितना अच्छा और कितना अच्छा लग रहा है ना, ये पुराने टाइम के घर बने हुए हैं। तो नंद ब्रिज की इस पावन धरती के आप लोग भी दर्शन कीजिए, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, राधे राधे। ये देखो ये ना घर अभी टूटे पड़े हैं, इधर पहाड़ी है, ये पहाड़ी पे घर बने हुए इधर पूरे, देखो इधर। इधर बांके बिहारी का मंदिर है, और ये होली खेलते हुए हमारे ठाकुर जी। तो आ गया मंदिर, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर, और ये है नंद बाबा का महल, नंद महल। अभी जाएंगे ऊपर और करवाएंगे आपको ऊपर दर्शन नंद बाबा के। तो ये है नंद बाबा का नंद महल, पहुंच गए हम लोग ऊपर बरसाना हो नंद गांव, और सामने है नंद बाबा का मंदिर, और मंदिर के दर्शन कीजिए नंद नंद बाबा के, नंद महल के दर्शन। कितना अच्छा लग रहा ना, इधर स्टेज लगा रखे, इधर प्रोग्राम चलते होंगे इधर ना, यहाँ कीर्तन भजन चलते हैं, मतलब एक अलग सा ही आनंद आता है ब्रज में आने के बाद, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मन लगता है ब्रज में। ब्रज की महिमा तो अपरंपार है, जो बिहारी जी हमारी राधे रानी हमें ब्रज में बार बार बुला रही है, हम आ रहे हैं ब्रज में बार बार हम। तो मैं तो यही कहूँगा कि राधे रानी कृपा बनाए रखे कि हम लोग ब्रज में बार बार आएँ, ब्रज की भूमि पे, ब्रज की धरती पे, ब्रज की धूल हमारे मस्तक पे लगे, ब्रज में बार बार हम लोग आए, आप सबको ब्रज के दर्शन करवाते रहेंगे। इधर सामने है नंद बाबा का मंदिर, ये देखो कितनी अच्छी बना रखी है ना पेंटिंग, उधर सामने है नंद बाबा, नंद बाबा का पूरा परिवार है ये नंद गांव में।
यार कितना अच्छा बना रखा ना। भैया भैया दर्शन कर पहले। तो गाइस नंद बाबा के दर्शन हम लोगों ने कर लिए, नंद बाबा के पूरे परिवार के हम लोगों ने दर्शन किए, अभी आपको करवाते हैं वो दर्शन। साथ में मंदिर बना हुआ शिव मंदिर, वो करते हैं शिव मंदिर के दर्शन आपको। तो ये है शिव मंदिर, करो भगवान का। तो गाइज भोले बाबा के दर्शन हम लोग करके आ चुके हैं बाहर, भोले बाबा के दर्शन के, नंद बाबा के दर्शन आपको करवाए, नंद बाबा के दर्शन कैसे लगे और भी कुछ है वो भी आपको करवाते हैं दर्शन। ये देखो बिहारी जी के पागल। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर के, आपको ऊपर दर्शन करवाते हैं मंदिर के, कर तो लिए। जो माया ने जल चढ़ा दी अपने पति की आयु के लिए, आर्य संतान होने का वरदान है, प्रेम से बोलो शंकर महाराज की। वे सामने पेड़ों का युद्ध सा दिखाई दे रहा है, ये कन्हैया जी का कल। महाराज हल्ला मत करिए, हल्ला वाले को मुझे नफरत है। ये सामने शनि बिहारी जी कोकला बने, शनि बार के दिन लोया दान कर दे और काला वस्त्र दान कर दे, उसको कभी शनि घेरे नहीं पकड़ती, उससे दूर ही रहती है। एक बार हाथ जो के बोलो शनि बाबा की। इधर से देखा बंदर, बंदर वो काला बाजरा। और हम लोग आ गए हैं ऊपर, भी करवाते हैं आपको ऊपर से दर्शन। और ये मंदिर के ऊपर देखो कितना बड़ा घंटा लगा रखा, आगो बजाइयो। हाँ बजा भाई साहब, कितनी मस्त आवाज है इसकी, आप सब बजाओ। ये ऊपर से पूरा का पूरा नंद बाबा का मंदिर, नंद महल, ऊपर से नंद बाबा का मंदिर कितना अच्छा लग रहा है ना। आप सभी भी दर्शन कीजिए नंद बाबा के, हमारी वीडियो के माध्यम से आप सभी को भी इस ब्रज की यात्रा के, नंद बाबा के दर्शन का पूरा फल मिले। इधर ही है ना नंदगांव पूरा, उधर हाउ बिलाऊ का वो है मंदिर बना, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा अभी, नेक्स्ट टाइम लगाऊंगा जब उधर जाऊंगा। हाउ बिलाऊ अगर मतलब यहाँ पे जो भी जाता है ना, अगर वो पत्थर का हो जाता है, मतलब राक्षस योद्धा का या कुछ ऐसा है वहाँ पे, उसकी पूरी हिस्ट्री मैं बताऊंगा आपको। तो अब नंदगांव के दर्शन करो। हाँ रसोई घर है ये यशोदा मैया का, ये इधर रसोई, इधर खाना बनता हुआ रसोई घर है यशोदा मैया का। चलो रसोई घर दिखाते हैं आज आपको, और रसोई घर है यशोदा मैया का, ये रसोई घर है। इधर रसोई, रसोई के दर्शन करके तो भागे, लेकिन वहां अंदर है ना खाना बना रहे थे तो उसके ऊपर चिल्ला रहा था। तो दोस्तों राधा रानी के, नंद बाबा के परिवार के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं बाहर, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गोवर्धन के लिए। तो हम लोग निकलते भी यहाँ से गोवर्धन के लिए, उसके बाद करेंगे हम लोग गोवर्धन परिक्रमा, तो करवाते हैं आपको साथ में गोवर्धन परिक्रमा। कुछ थोड़ी ना बोल रहा आगे जाग आदित्य से हाथ नहीं मिला।